वो जो कौन है एलबी यादव और रजत दलाल ये लोग। सो गाइस यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने हिंदू सेंटीमेंट्स को तो हर्ट किया था ही अपने कॉमेडी शो के अंदर, और उस चीज के बारे में आप लोगों को पता हो गई। मुनव्वर फारूकी को उस चीज के लिए जेल भी जाना पड़ा था। बट गाइस अभी यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने अपने ही धर्म के लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है। बेसिकली उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। एंड गाइस इसके बाद इजाज खान भी मुनव्वर फारूकी ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। एंड उन्होंने रिप्लाई करते मुनव्वर फारूकी को क्या कहा है, आप लोग खुद देखिए। क्या नया लफड़ा चल रहा है, वो मुनव्वर फारूकी को समझा रहा हूँ बेटा, मत इतना कर यार जानू, कभी कभी बोलने बोलने में क्या बोल जा रहा है तू बेटा। आज भी मैं वीडियो देखा, ख्वाजा जी का भी मजाक उड़ा रहा है बेटा, ये सब मत कर। चारों तरफ से वीडियो आ रहे हैं, सब बोल रहे भाई क्या है, आप मुनव्वर को इतना सपोर्ट किए, अभी देखो मुनव्वर क्या कर रहा है, ख्वाजा जी का मजाक उड़ा रहा है, गरीबी का लोगों का मजाक उड़ा रहा है, सब मत कर बेटा। ये जनता है मेरी जान, ये कब उधर बिठाती है और कब जमीन में गिरा देती है मालूम नहीं मेरा बच्चा, तेरे को तो अच्छे से मालूम होगा जानू, गुजरात का है तू। क्या होता है कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, बेटा तू ऐसा मत कर, अपनी औकात कभी मत भूल। तो बाकी मुनव्वर फारूकी इस वाली स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को अपना क्या ओपिनियन, क्या उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड ऑल्सो गाइस यहां पर इजाज खान का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, जहां पर उन्होंने एलविश यादव और रजत दलाल के बारे में क्लियरली बातें की है। एंड वहां पर इजाज ने एलविश के बारे में ये कहा है कि अपने व्लॉग के अंदर जितने भी गाड़ियां या पैसा दिखाते हैं वो सभी फेक है। ये एलविश यादव और रजत दलाल वाला सीन क्या है, वो जो कौन है एलविश यादव और रजत दलाल ये लोग, आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो। अरे मैं तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे, तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दमी नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं थी बेटा, बता तो दिया, बार बार क्या पूछ रहा है इनके बारे में, मत कर। दे आर स्टूपिड नॉनसेंस पीपल, दे वॉन्ट टू लिव फेक लाइफ, फेक कार्स, फेक फॉलोअर्स, फेक कमेंट्स। So, बाकी इस में से किन किन लोगों को लगता है कि एलवी यादव जितने भी गाड़ियां पैसा दिखाते हैं वो सभी फेक है, अपने बिना नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतने ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।